नमस्कार, टीपीजी में आपका स्वागत है। और आज हम छठ पर्व देखेंगे कि छठ पर्व किस तरीके से मनाया जाता है। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है और यह एक हिंदू पर्व है। इसमें सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। प्राय हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला ये पर्व अन्य धर्मों द्वारा भी मनाया जाना शुरू हो गया है। धीरे धीरे ये त्यौहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य और उनकी पत्नी को समर्पित है। हम उन्हें पृथ्वी पर जीवन देने के लिए धन्यवाद देते हैं। छठ में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के 3रे दिन से यह आरंभ होता है। पिछले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन उपवास आरंभ होता है। व्रति दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम को खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। 3रे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया जाता है। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज सब वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं और अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगभग 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। पहला दिन नहाए खाए के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन को ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के बाकी के सदस्य इनके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोग निमंत्रित किए जाते हैं। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 3रे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिक्की भी कहते हैं, के अलावा चावल के लड्डू, जिसे लडुआ भी कहा जाता है, बनाते हैं। इसके अलावा चढ़ावे के रूप में लाया गया साँचा और फल भी छठ के प्रसाद के रूप में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठव्रती एक तालाब या नदी के पास इकट्ठा होकर सामूहिक रूप में अर्घ्य दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया के प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले जैसा दृश्य बन जाता है। 4थे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदय होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पुनः इकट्ठे होते हैं। पूर्व संध्या को जहाँ वो इकट्ठे हुए थे, पुनः पिछली शाम की पूरी प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जाती है। सभी व्रती श्रद्धालु घर वापस आते हैं। व्रती घर वापस आके गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व की कई पौराणिक कथाएँ भी हैं। अगर हम रामायण से देखें तो एक मान्यता है कि जब श्री राम लंका विजय करके वापिस आए तो कार्तिक शुक्ल को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की और सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। एक मान्यता के अनुसार छठ की शुरुआत महाभारत काल में हुई। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन कई घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे और सूर्यदेव की कृपा से ही वो एक महान योद्धा बने। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं होती थी। तब महर्षि कश्यप ने
उत्तरेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञावती के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियवत पुत्र को लेके शमशान गए और पुत्र योग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश में उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत रखा। उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति की। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ही हुई थी। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस से निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। Yeah.
पसंद आए हों तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है फोटोग्राफी के बारे में तो हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप क्लिकिंग, कीप शेयरिंग।